अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे हम इंग्लिश की कॉपी को प्रिपरेशन करते हैं। ये अगर आप होमवर्क कर रहे हैं तो होमवर्क का डालें, अगर ट्यूशन वर्क है तो ट्यूशन वर्क की डेट डालें। और यहाँ पे आप लिखेंगे सैटरडे, आज चूँकि सैटरडे है तो मैं सैटरडे लिखूँगी। और यहाँ पे हम डेट लगाएंगे। अब नेक्स्ट सब मतलब सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है ये टॉपिक TOPIC, टॉपिक टॉपिक हमारा है अल्फ़ाबेट, क्योंकि अब प्ले क्लास के बच्चों को हम लिखा रहे हैं। ठीक है, वर्ड हमने क्या देना है आज, जी दे रहे हैं हम, क्योंकि एफ तक इसका हो चुका है, ये एफ तक टेस्ट हो चुका है, इसलिए कि एफ तक हमने टेस्ट ले लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जी, तो आज हम इसको कैपिटल जी और स्मॉल जी लिखना सिखाएंगे। कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। अब इसके सामने सामने आप डॉट लगा दें, ये कैपिटल का डॉट है ताकि बच्चा लाइन एक पोजीशन पे लेके जा सके। नेक्स्ट ये स्मॉल जी का डॉट कि यहाँ से शुरू करना है और एंड तक लेके जाना है। ठीक है, ये कैपिटल डॉट, और ये स्मॉल जी का डॉट। अब जब भी आप बच्चे को लिखवाएंगे तो उसको पोजीशन ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको पता है कि मैंने कैपिटल को कहाँ से स्टार्ट करना है और स्मॉल को कहाँ से स्टार्ट करना है। उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।